तुमसे मिलकर न जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, याद आता है। तुमसे मिलकर न जाने क्यों, तुमसे मिलकर न जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, याद आता है। आज का अपना प्यार नहीं है, आज का अपना प्यार नहीं है। जन्मों का ये नाता है, ये नाता है। तुमसे मिलकर न जाने क्यों, तुमसे मिलकर न जाने क्यों। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका यूनुस, आपका भाई, आपका दोस्त, आज फिर से आपकी सेवा में। और दोस्तों, आज आपके सामने ये गाना फिल्म प्यार झुकता नहीं से 1985 में मूवी आई थी और ये गाना बहुत ही हिट हुआ था, जो शब्बीर कुमार, लता मंगेशकर जी ने गाया था। और उस गाने में ढोलक, इस गाने में ढोलक कैसे बजती है तो देखते हैं। ताल कहरवा आठ मात्रा में ये गाना है और इसमें वेस्टर्न टाइप से कुछ बजा है, सो आपको आज मैं वो बजा के सुनाता हूँ। सो आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे आगे हम वीडियो बनाएं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। और दोस्तों, वीडियो ज़रूर पूरा देखें, पूरा देखेंगे तो आपको भी आनंद आएगा और हमको बताने में भी बहुत आनंद आएगा। सो आइए इस गाने में सुनते हैं कैसे ढोलक बजी है। तो ये गाना कुछ ऐसे स्टार्ट हुआ है। तुमसे मिलकर न जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, याद आता है। तुमसे मिलकर न जाने क्यों, तुमसे मिलकर न जाने क्यों और भी कुछ का अपना प्यार नहीं है, आज का अपना प्यार नहीं है। जन्मों का ये नाता है, ये नाता है। तुमसे मिलकर न जाने क्यों, तुमसे मिलकर न जाने क्यों। तो इसमें देखेंगे इस छल्ले का भी काम इसमें साथ में हुआ है, कैसे हुआ है। देखें, सीखें। और ये ताल कहरवा पैटर्न है, आठ मात्रा ही बोलते हैं इसको, लेकिन ये वेस्टर्न टाइप से कुछ बजा है। और अंदरे में क्या है, ओ प्यार की गाती, प्यार की दुश्मन, लाख बनी ये दुनिया दीवानी। ओ हमने बाबा की राह ना छोड़ी, हमने तो अपनी से मिलकर न जाने क्यों।
तुमसे मिलकर आ जाने क्यों। दूसरे अंतर में क्या है, एक मेरे एक तेरे बिना इस दुनिया की हर चीज अधूरी लगती है। तुम पास हो कितने पास रख, नजदीक भी दूरी लगती है। प्यार छीने हो जाए मगर कुछ और नजर नहीं आता है, नहीं आता है। तुमसे मिलकर न जाने क्यों, तुमसे मिलकर न जाने क्यों, और भी कुछ तुमसे मिलकर न जाने क्यों, तुमसे मिलकर न जाने क्यों। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें दोस्तों, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे आगे हम वीडियो बनाए वो आप तक आसानी से पहुंच सके। जी धन्यवाद।